जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष मंजुला सिंह ने कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आप नेत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतर चुकी हैं। आए दिन समय पर उपचार न मिलने के चलते जहां लोगों की मौतें हो रही हैं, वहीं लोगों को बाहर जाकर मोटी फीस चुकाकर उपचार कराना पड़ रहा है। आप नेत्री ने मांग की है कि जनसंख्या के अनुसार सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञों की भर्ती की जाए और जनसंख्या वृद्धि के अनुसार नए प्राकलन तैयार कर बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। आइए आपको सुनाते हैं आप नेत्री मंजुला सिंह ने क्या मांग की है। सभी पत्रकार भाइयों को धन्य जय हिंद। सन 2009-10 की बात है, मैं अपने स्वयं के इलाज के लिए हमारी रात सोचा, फिर मैंने ये तय किया, संकल्प लिया कि मैं इस हॉस्पिटल के लिए, इस व्यवस्था के लिए मैं लड़ूंगी, जितना संघर्ष करते बनेगा करूंगी और अंतिम दम तक इसको लेके जाऊंगी। फिर मैंने पत्राचार के माध्यम से अनशन भी बैठी, हमें आश्वासन दिया गया, पूछा भी मैंने, सर 85 किलोमीटर का सफ़र हम लोग कब तक तय करेंगे, हमें सिर्फ आश्वासन मिला। उसके बाद मैं अनवरत इसके लिए लड़ती रही और आज भी लड़ रही हूँ। आज मैं अपने लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है, आप पत्रकार संघ, उन लोगों के माध्यम से मैं इस जंग का ऐलान करती हूँ, मैं इस आंदोलन का ऐलान करती हूँ और मैं आप लोगों के सहयोग से सभी अपने त्योंथर की जनता के और रीवा के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करती हूँ कि वो लोग हमारा सहयोग करें और हमारी इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। और मैं जब तक ये नहीं होगा, अब हमारी डिमांड ये है, हमें 30 साल पहले यदि हमारी आवश्यकता 100 बिस्तर की थी तो आज हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी आवश्यकता 300 बेड की हो गई है। तो हमारी अपील है कि ये जो हॉस्पिटल है 100 से बढ़ा करके 300 और हर विधानसभा में, क्योंकि हमारा अभी हमारे जो पेशेंट आते हैं उनको रेफ़र कर दिया जाता है अन्य राज्यों में, तो हम चाहते हैं कि सभी विधानसभाओं में यदि हॉस्पिटल बनती है तो जो यहाँ ओपीडी आती है वो कम होगी और ये रेफरल यहाँ से रेफर करके भेजे नहीं बल्कि हमारे विधानसभाओं से जो रेफर केस आए तो यहाँ पर उनका पूरा इलाज हो। तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ को बुलंद करिए। अभी कितने डॉक्टर हैं वहाँ, महिला डॉक्टर? महिला डॉक्टर पूरे विधानसभा में गायनी की एक भी नहीं है, सिर्फ एक रायपुर सेक्टर में एक महिला चिकित्सक है पर गायनी नहीं है। पूरी विधानसभा एक साथ।